कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा के समीप एक ट्राला पलट गया। इससे 5 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। इसके बाद वन वे ट्रैफिक चलाया गया, लेकिन तब तक वाहनों की करीब 10 किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम खुलवाने के लिए करीब 8 घंटे लग गए। आज सुबह तकरीबन 3 बजे रात को चावली के पास रेलवे क्रॉसिंग के बाद एक सेब से लदा हुआ ट्रक सड़क पर गिर गया, पलट गया, जिसकी वजह से जाम लगा। उसको पेटियों को हटाया गया और वन वे के लिए पहले थ्रू किया गया, उसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटा दिया गया है और अभी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से आदित्य सोफत की रिपोर्ट।